आधुनिक भारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का नाम जुबा पर आता है। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने और साथ ही दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 में बॉम्बे में हुआ था। राजीव गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के वेल्लम बॉयज स्कूल से हुई, जिसके कुछ समय बाद ही उन्हें दून स्कूल भेज दिया गया। स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजीव आगे की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और इम्पीरियल कॉलेज लंदन गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। इंग्लैंड से घर लौटने पर उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया और बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस में कार्य करना शुरू किया। राजीव जी का झुकाव राजनीति की तरफ बिल्कुल नहीं था। वे कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, पर कहते हैं ना, जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। 23 जून 1980 राजीव जी के भाई संजय गांधी जी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इसी घटना ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने पर मजबूर कर दिया। राजनीति में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और बंपर जीत हासिल की। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। उन्हें शत शत नमन। उन्होंने आधुनिक भारत को तैयार करने में एक महान भूमिका निभाई। उनके आदर्श और मूल हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे।